हर नागरिक को अपना पक्का घर। कब तक दर दर भटकते रहेंगे लोग, कब तक सोते रहेगा प्रशासन। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आज हम बात करेंगे सहारनपुर की। सहारनपुर के लोग दर दर भटक रहे हैं, नहीं मिल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। अब तक नहीं मिला पीएम आवास योजना का कोई भी लाभ। माँ मजदूरी कर अपने बच्चों को पाल रही है। कक्षा 9 की छात्रा ने बताया अपना सारा दर्द। केंद्र सरकार ने इसी उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी कि 2023 तक प्रत्येक गरीब और पात्र व्यक्ति को रहने के लिए पक्का आशियाना हो। वहीं गरीब भी यही उम्मीद लगाए बैठे थे कि उन्हें रहने के लिए सिर पर पक्की छत मिलेगी। लेकिन सच तो ये है कि आज भी गरीब वो पात्र व्यक्ति योजना का लाभ लेने से लिए वंचित है। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर, मगर ज्यादातर गरीबों का आज भी सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं मिला। ऐसा ही एक मामला है जनपद सहारनपुर के कस्बा गंगोहा स्थित मोहल्ला मखदूम जहां सराय का है, जहां कच्चे घर में पन्नी डालकर एक विधवा महिला शिमला देवी अपनी दो पुत्रियों के साथ जीवन गुजार रही है। विधवा महिला शिमला देवी की पुत्री भारती ने बताया कि मेरे पिता 10 वर्ष पहले गुजर गए, उसके बाद मेरी माँ ने और बड़ी बहन ने मजदूरी करके घर का घर चलाया और गुजारा किया। 3 साल पहले हमारी मिट्टी के मकान की छत गिर गई, इसे आज तक हमारे पास पैसे की किल्लत के कारण हम मरम्मत नहीं करवा पाए। खुद सुनिए भारती से क्या कहना चाहती है। कभी भी कोई मोदी योगी से नहीं बनी है, न कभी शौचालय के फार्म भरे हैं, मकान के फार्म भरे हैं, कोई भी सहायता नहीं कर पा रहा है। हमें बहुत फार्म भर चुके हैं, कोई भी सहायता नहीं कर पा रहा है। और देखिए हमारा कैसे हो रहा है ये, ऐसे तो हम ये देखो ऐसे तो कभी भी हमारे ऊपर डल सकता है ये। और जल्द से जल्द कृपया करके मेरी सभी मोदी योगी से यही प्रार्थना है। मैं 9th क्लास की छात्र हूँ, मैं स्कूल में जाती हूँ। जी हमारा मकान बना दीजिए, मेरी सभी मोदी योगी से प्रार्थना है, जल्द से जल्द कृपया करके ये मकान बना दीजिए। जय श्री। मोहल्ले के आसपास पड़ोस के लोगों ने पैसे इकट्ठा करके छत पिछले साल एक पन्नी डाल दी और अब जगह जगह से फट गई है। जबकि बारिश आती है लोग पूरी रात डर के सोए बैठे रहते हैं और बैठकर यही रात काटनी पड़ती है। छात्रा ने बताया कि कई लोग द्वारा हमारे मकान बनवाने के लिए पैसे भी ले लिए, मगर हमारा आवास योजना का लाभ नहीं हुआ और हमें घर नहीं मिला। भारती का कहना है कि वो मौजूदा स्वभाव से कहना चाहती हैं कि बार बार मकान बनवाने के लिए हम जाते हैं और विनती करते हैं, लेकिन कोई भी लाभ हमें आज तक नहीं मिला। 9वीं क्लास की छात्रा ने योगी मोदी से आवास योजना और शौचालय योजना के लाभ के लिए मदद भी मांगी। अब सुनिए इनके पड़ोसी से इनके हालात। मेरा नाम महिपाल है, मैं इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ और इनकी पहले से ही शुरू से ही बहुत काफ़ी स्थिति खराब है। इसके पिताजी की 7 साल पहले डेथ हो गई थी अचानक ही दर्द होने से, और 2 बहनें हैं, ये एक ने 3री तक पढ़ाई करी, अभाव में ये आगे पढ़ नहीं सकी और इसकी मम्मी काम पे जा खेत में मजदूरी पे, और काफ़ी दिनों से इनके मकान बनाने की इन्हें कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ रहा। अपनी एप्लीकेशन, आधार कार्ड, फोटो कॉपी, बैंक की कॉपी भी इनके पास नहीं थी, वो बनवा के दी और इसके बावजूद भी किसी ने इनकी तरफ नहीं देखा, जबकि कई ने तो इन पते पैसे भी कहीं कहीं उतार लिए। म्यूनिसपैलिटी में भी कोई, क्या नाम बताया उसका, गौरव है कोई म्यूनिसपैलिटी का कार्यकर्ता, 5,000 उसने ले लिए और जो कहे सुने से कहा भी मंगा भाई उससे वापस ले का हो, उन्होंने ये कहा कि थार पर दम हो तो ले लो। ये इनके पड़ोसियों ने इन्हें अनुदान में दे रखी, कोई भाई दीवार वगैरह या कड़ियों के नीचे कोई टेप बनानी हो तो बना लो, कभी ऊपर मकान गिर जाता रहे। ये काफ़ी पहले दी थी जब मकान गिरा नहीं था, अब इनका मकान शायद गंगों में, क्या मुझे भी आज तक ऐसा मकान जर्जर देखा नहीं। और 5 साल से मैं भी देख रहा, जो भी कोई अधिकारी वगैरह जो भी कोई आवे, 3-4 बार मैं भी लेके इनके घर आ लिया, सब सुनकर जहाँ देखें हाँ, और फिर इधर गौर कोई नहीं करता, जबकि एक एक परिवार में 40-40 बीघे जमीन है। म्यूनिसपैलिटी के मेंबर भी रह चुके, एक एक अपने बच्चों के 2-2 मकान बनवा दिए उन्होंने योजना के, एक आदमी ने अपने बच्चों के 2 मकान बनवा दिए, लेकिन यहाँ आज तक किसी ने देखा। सरकार से प्रार्थना है भाई इनके बारे में जरूर कुछ ना कुछ सोचें, बहुत ही गरीब है, बाप सिरपनी है,
और दोनों बहने हैं ये, एक तो ये आर्य कन्या में पढ़ रही है, ये 9th में पढ़ रही, और इसने 3rd में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी आर्थिक की तंगी के कारण। मैं सभी अधिकारियों को भाई मैं तो अपनी तरफ से यही कहना चाहूँ भाई इनकी मदद करें, इन्हें लुट्टा कसोट्टा ना, और इनका जो है सहयोग करें, इनके काम में अपना हाथ बटावें। पहले की तरह जो अधिकारियों ने इनसे पैसे पूसे खा लिए जो बता रहे हैं लोग, वो ऐसा ना हो इनके साथ। आपने देखा कि कैसे इनके पड़ोसियों ने भी बताया इनकी हालत। अब ऐसे और भी लोग हैं जो वंचित हैं ऐसे ही आवास योजना से। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1।